नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू, भीषण गर्मी के चलते विभाग का फैसला। हरियाणा सरकार पर अल्पमत का खतरा, निर्दलीय एमएलए के निधन के बाद बढ़ा संकट, 44 के बहुमत की जगह बीजेपी के पास 42 विधायक। गुरुग्राम में ब्लैकमेल के चलते शख्स ने चाकू से की प्रेमिका की हत्या, पुलिस के सामने किया सरेंडर। 3 नए कानूनों के अनुरूप तैयार हुई हरियाणा पुलिस की सीसीटीएनएस प्रणाली, तकनीकी पहलुओं में किए गए आवश्यक बदलाव। केथल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बवाल, ईवीएम निगरानी के लिए आप कार्यकर्ता दे रहे ड्यूटी, पुलिस ने हटाने का किया प्रयास। रेवाड़ी में लगी भीषण आग, सेफ्टी गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान, दमकल की 12 गाड़ियों ने 4 घंटे बाद पाया काबू। चरखी दादरी में मंदिर से चोरी, चोर 11 किलो का घंटा, कलश और अन्य सामान लेकर फरार, मरम्मत का काम चल रहा था। पलवल में हादसे में युवक की मौत, पिकअप की टक्कर से दंपत्ति घायल, स्कूटर पर सवार होकर जा रहा था मृतक। हिसार में कार पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, बेटी के लिए देखने जा रहे थे रिश्ता। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 10 जून तक कर सकते हैं आवेदन। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।